ये है मेरे पास OnePlus 11R। आज मैं आपको उसके टॉप 10 हिडन फीचर बताऊंगा। अगर आपने ये फोन बाय कर लिया है तो भी ये वीडियो आपके काम की, अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम की। इसमें मैंने सारे जो फीचर है ना सारे काम के बताए, और 80% मतलब 10 में से 8 ऐसे फीचर है जो आपको पहले नहीं पता होंगे, 2 ऐसे फीचर होंगे जो शायद आपको पता हो, उसमें भी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ काम के फीचर है। वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है मल्टीपल यूजर मोड। अभी आपको जैसे ये फोन दिख रहा है, मैं आपको मेरी गैलरी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो भाई ये सारे फोटोज वीडियोज है। अब मैं चाहता हूँ किसी और को फोन हैंड ओवर करना, जैसे घर में बच्चे हैं या किसी को भी फोन देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो मेरा डेटा नहीं देख पाए, तो सिंपली मुझे सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में आप जाओगे यूजर एंड अकाउंट्स, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सबसे ऊपर दिखेगा मल्टीपल यूजर्स, यहाँ पर क्लिक करो और ये मल्टीपल यूजर को आप यहाँ से ऑन कर दो। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओनर का, गेस्ट का। ओनर वाला जो अभी फिलहाल मेरा फोन है वो ओनर है। अब मैं यहाँ पर गेस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। कॉल्स का अगर यहाँ पर अलाउ करना तो अलाउ कॉल्स कर सकते हैं, अदरवाइज इंटर कीजिए और यहाँ पर आएगा स्विच, देन स्विच कर दीजिए, खत्म। अब ये क्या कर रहा है, ओनर वाले से गेस्ट वाले मोड पे जाएगा और जितना भी मेरा डेटा था वो सेफ रहेगा अगर मैं किसी और को फ़ोन देना चाहता हूँ। अभी देखो ये विंडो आ गई स्विच होके, एक नया ओएस बन गया, नया विंडो बन गई है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, ये गैलरी मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखो भाई गैलरी में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली हो गया है। इवन जो एप्लीकेशन थी, जो कॉल्स थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से हट गई, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये मैंने किसी को फ़ोन दे दिया, वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर मैं उनसे फ़ोन लिया, अब जब आप एक बार ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आइकन बना जाएगा। देखो मैं यहाँ पर जाऊँगा ओनर, ओनर पर स्विच करूँगा, खत्म। जैसे मैं स्विच करूँगा तो ये मेरे को पुराने वाले विंडो में ला देगा जहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट भी था। बस ये मैंने फिंगरप्रिंट डाला, हो गया मेरा ओनर वाला। अब ये गैलरी दिखाता हूँ, ये मेरी फोटो वीडियो आ गई। तो ये सबसे अच्छा सेफ तरीका है किसी और को फ़ोन देना है विदाउट, अगर आपके पास फ़ोन में पासवर्ड नहीं है, नहीं लगाना चाहते हो या आप चाहते हो कि वो डेटा नहीं देख पाए, सबसे बढ़िया फीचर है, जरूर यूज़ करना। तो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर एयर जेस्चर्स। अभी जैसे आपको कॉल आता है तो आपको फ़ोन टच करके उठाना पड़ता है, लेकिन आप चाहते हो विदाउट टच अगर फ़ोन उठाना तो सिर्फ इस तरह से आप हाथ दिखा दोगे तो आपका कॉल उठ जाएगा, और इस तरह से आप उसको कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, सेटिंग में जाना है आपको। सिंपली सेटिंग में गए, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा और इसमें आपको जेस्चर्स एंड मोशंस मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जेस्चर से मोशन पे जाना है और एयर जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा किस तरह से आप यहाँ पर इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पर इस तरह से अगर हाथ दिखाते हो तो फ़ोन आपका म्यूट हो जाएगा, और इस तरह से ऊपर कर दोगे तो आपका फ़ोन पिकअप हो जाएगा, मतलब आपको विदाउट टच करे भी फ़ोन उठा सकते हो और म्यूट कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे ना तो आपको म्यूट कॉल्स का इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आंसर कॉल का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है इसको सिर्फ ऑन कर लेना, देन जब भी आपके पास कॉल आएगा तो सिर्फ आपको ऐसे दिखाना है या फिर ऐसे दिखाना है, तो म्यूट भी हो जाएगा और कॉल पिक भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं एयर जेस्चर, जरूर यूज़ करना, काम का फीचर है। तो जो थर्ड फीचर है वो है फोटोज़ और वीडियोज़ हाइड करना। अगर आप चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है। यहाँ पर आप देखो फोटो का आइकन बना है, इस पर जाना है आपको, मतलब सिंपली गैलरी में जाना है। ये जितनी भी फोटोज है इसमें से आपको कोई सी फोटो आपको मान लो हाइड करना है तो नीचे आपको ये बार देखने को मिल रहे होंगे, फोटो एल्बम एक्सप्लोर, इस पर होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट अ प्राइवेसी फर्स्ट, पासवर्ड फर्स्ट। यहाँ पे मैं गया, मैंने अपना पासवर्ड डाला, सपोज ये मैंने लिख दिया अपना पासवर्ड, यहाँ पर अपना नाम लिख दो सिंपली और आगे बढ़ा दो, ये मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आपको गॉट इट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ऐड करना है, मुझे मान लो एक ये फ़ोटो करना है या जोन सी भी मुझे फ़ोटो करना है, मान लीजिए एक भाई मजा ये 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 ये, ये। अब मुझे ये फ़ोटो करनी है तो यहाँ पर सिंपली सेट एस पासवर्ड पर गया, इस पर करा। अब ये फ़ोटो मेरी गैलरी में से हट गई और हिडन में आ गई है। अब मुझे जब भी फोटोज़ देखना होगी यहाँ पर होल्ड एंड प्रेस करूँगा, अपना यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा और मुझे वो सारी फोटो या वीडियो दिख जाएगी जो मैंने इसमें ऐड कर रखी है, और यहाँ से आप और भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है, शॉर्टकट है, इजी टू हाइड है। तो नेक्स्ट फीचर है वो रैम एक्सपेंशन। आपके इस फ़ोन में 8GB रैम आता है, उसके बावजूद आप 8GB रैम और बढ़ा सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है और यहाँ पर आपको रैम का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 4, 6 और 8 तीन ऑप्शन मिलेंगे, सबसे हाई पे कर दो। यहाँ पे लिखा है दिस सेटिंग विल इफेक्ट आफ्टर यू रीस्टार्ट योर फोन। जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करोगे ना, यहाँ से एक ये वाला बटन और ये बटन को एक साथ दबाओगे तो यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको देखना है कि भाई ये रैम बड़ी है या नहीं बड़ी है, तो यहाँ पर आप जाओ सेटिंग में, सर्च करना डिस्प्ले, जैसे आप डिस्प्ले लिखोगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले रैम एंड इन्फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है, इसको ऑन करना, और ये जो रीसेंट वाला बटन होता है तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ गया 8+4। अभी मैंने फ़ोन रीस्टार्ट नहीं किया है तो ये अपग्रेड नहीं हुई है, अदरवाइज 8+4 पे ये रहेगा,
तो ये अभी 12GB रैम है, 8+8 हो जाएगा तो 16GB रैम हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपके फोन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। अब जैसे यहाँ पर आप देखो भाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर सिंपल सा एक यहाँ पर एनालॉग वॉच दिख रहा है, ठीक है, और कुछ भी स्क्रीन पे नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, अट्रैक्टिव बनाना है, इन सबका कलर वगैरह चेंज करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, यहाँ पर आप देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सबसे पहले नंबर पे, तो इसमें आप अलग अलग कर सकते हो। बीट मोजीज है, यहाँ पर आप बहुत सारे इमोजीज लगा सकते हो। कैनवास है, कैनवास वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी सही लगता है। यहाँ पर मैं गया, कोई भी मैंने फ़ोटो ली अपनी, मान लीजिए ये वाली मैंने फ़ोटो ली, इस फोटो का ये पूरा एक कैनवास बनाएगा। यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ, देखो इस फोटो को ये कैनवास के रूप में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक थोड़ा सा आउटलाइन ड्रॉ करेगा ब्लैक एंड वाइट कलर के उसमें, और ये एक सेल आउट बना के दे दिया, देखिए यहाँ पर इस टाइप से। और मुझे अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना तो वो भी कर सकता हूँ, हालांकि वाइट ज़्यादा सही लगता है तो वाइट पे क्लिक करा। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करा और ये मुझे बता सकता है कि मुझे छोटा बड़ा इसको रखना है तो रख सकता हूँ। यहाँ पर गया इस टाइप से, देखो भाई ये यहाँ पर गया। अब ये पूरा डिस्प्ले मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह से दिखेगा। मैं इस पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा अप्लाई, ठीक है, और ये अप्लाई कर दिया मैंने। अब ये मेरे को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए भाई कुछ इस तरह से, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जब सपोज आपका फ़ोन ऐसा रखा है तो कोई भी देखेगा तो भाई आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये सेटिंग कैसे की। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग कस्टम पैटर्न्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने एज ड्रॉ किया तो इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है, तो अलग अलग फीचर है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर आप किस तरह से इसको पर्सनलाइज करना चाहते हो। अलग अलग ओमोजीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ओमोजीज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो भी क्रिएट करने का बता रहा है, आप इसको परमिशन वगैरह दे दो। अब जैसे मैं मेरा मुंह हिला रहा हूँ, आँख मार रहा हूँ, तो यहाँ पर ये भी आँख मार रहा है। जैसा मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मुंडी हिला रहा हूँ, तो ये भी हिला रहा है। इस तरह के आप कर सकते हो अलग अलग, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा अगर आप रखना चाहो। देखो ये वाला इसने बना दिया, यहाँ पर आप इस तरह से चीज़ें दे सकते हो, स्माइली वगैरह। और देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाना है आपको, ये आपको जनरेट करके दे देगा, यहाँ पर जनरेटिंग प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू जनरेट करके दे रहा है और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा तो आप देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे कुछ इस तरह से दिखाएगा। ये देखो जैसा मैंने नोट किया था वैसा करके ये बता रहा है। तो इस तरह के आप इंटरेस्टिंग इन चीज़ों को बना सकते हो। उसके बाद आपको कलर वगैरह चेंज करना, आइकन के साइज़ और शेप चेंज करना। देखो भैया आइकन के साइज़, एप्लीकेशन के साइज़ बड़े हो सकते हैं और इनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ये देखो भाई, नाम को बड़ा छोटा करना है तो वो भी कर सकते हो, नाम को हटाना है तो हटा भी सकते हो इस तरह से। एप्लीकेशन दिखेगी और यहाँ पर आपको अलग अलग ये भी दिख जाएगा भाई, देखो छोटा बड़ा। ये वाला एक स्टाइल भी है, कस्टम करना है तो इस तरह से कस्टम भी कर सकते हो। देन अप्लाई कर दो तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन थी, देखो आइकन इस टाइप से हो गए और नाम उनके जो बड़े हो गए, जो बाकी बेकार लग रहा है पर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ की विंडो का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये ब्लू हो गया अभी या ग्रीन हो गया, ब्लू से यहाँ पर आपको एक अलग कलर देखने को मिलेगा। इस टाइप से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट के एनिमेशंस भी हैं अलग अलग, जैसे अभी मेरे को ये वाला मान लीजिए अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैं गया, अब देखो ये वाला आ गया। अब मैं आपको फिर से दूसरा चेंज करके दिखाता हूँ, ये फायरबॉक्स, इस पर गया, अब देखो भाई यहाँ पर फायरबॉक्स वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। एज लाइटिंग है, जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह की यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगी, जैसे साइड टू साइड पर ब्लू जल रही ना, रेड करेंगे रेड हो जाएगी और ऑरेंज करेंगे तो ऑरेंज हो जाएगी। इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है वो है 100 वोल्ट। अब ये फोन भाई बहुत बड़ा है, 6.78 इंचेस का, मतलब ऑलमोस्ट 6.8 इंचेस का है, काफ़ी बड़ा लगता है, एक हाथ से चलाने में इजी नहीं होता है। अगर आप चाहो तो वन हैंड मोड यूज़ करना तो सिंपली सेटिंग में जाओ, एडिशनल सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एडिशनल सेटिंग पर जाओ और यहाँ पर आपको 100 मोड दिखेगा, इसकी जस्ट ये वाला, इसको यहाँ पर ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग बता रहा है, इसके लिए जेस्चर्स ओपन करना पड़ता है तो जेस्चर्स पे जाएंगे, ठीक है, ये हो गया जेस्चर। यहाँ पर आपको जाकर गैलरी उसको जेस्चर पे ऑन करके 100 मोड को ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि बस आपको यहाँ पे इस तरह से स्लाइड करना है। ये देखो भाई, इसको वापस ऊपर ले गया और यहाँ पर बस इस तरह से स्लाइड करना है और ये 100 मोड दे देगा। ये देखो इस टाइप से, थोड़ा सा नीचे से बस इस टाइप से करना है। अब सपोज मुझे विंडो लानी ऊपर से तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब सिंगली हैंड यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर सपोज़ यहाँ पर बस इतना करना है नीचे आ जाएगा और यहीं से मैं विंडो भी ला सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया नीचे करा, फ्री हटा सकता हूँ। तो सिंगल हैंड मोड यूज़ अच्छा लगता है क्योंकि साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है तो वन हैंड यूज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट फीचर है वो है भाई प्राइवेसी से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई फ़ोन की एप्लीकेशन को हाइड कैसे करें या एप्लीकेशन को लॉक कैसे लगाए, तो सिंपली प्राइवेसी में जाना है। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का भाई, ये वाला। यहाँ पर आपको ऐप लॉक भी मिलेगा, हाइड एप्स भी मिलेगा, प्राइवेट सेफ भी मिलेगा, सिस्टम क्लोनर भी मिलेगा। जैसा मैं आपको बता ना, एक ही सिस्टम को आप क्लोन कर सकते हो, अलग अलग पासवर्ड से अलग अलग फ़ोन खुलेगा। प्राइवेसी सेफ में वही है जो हमने अपनी फोटोज वीडियो हाइड की थी, लेकिन यहाँ पर दो नई चीज़ें, ऐप लॉक और ऐप हाइड। तो यहाँ पर आप जाओगे ना
अपना प्राइवेसी वाला पासवर्ड जो था पहले वही डालना है, और जो भी एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है आप वो यहाँ से लॉक कर सकते हो, ठीक है, और वो आपको लॉक इसमें दिखा देगी। अभी कोई भी एप्लीकेशन इसमें ऐसी नहीं जो लॉक की जाए, और हाइड एप्लीकेशन का भी है, यहाँ पर आप एक्सेस कोड सेट कर सकते हो, पासवर्ड डाल देता हूँ प्राइवेसी का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन को हाइड करने का। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्रोम किया, इसको सेटिंग आया, यहाँ पर #9922 हैश कर दिया, ये मेरा एक्सेस कोड हो गया। अब मेरे यहाँ से क्रोम हट गया है, यहाँ पे जो था ना क्रोम हट चुका है, मुझे उसको डायल करने के लिए यहाँ जाना है #9922# और यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो और अपना डाटा सेफ रख सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर है वो भी ज़ेन मोड। भाई ये थोड़ा सा नया फीचर है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, थोड़ा सा चाहते कि फ़ोन यूज़ कम करें, किसी भी कारण से ऐसा कुछ हो कि हाँ फ़ोन में यूज़ में ना आए, तो ज़ेन मोड पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ज़ेन मोड, एग्री एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पुट डाउन द फोन, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पर टाइमर है, तो यहाँ पर आप टाइमर सेट करो। अभी मैं 1 मिनट ही कर रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा तो मैं भी बिना फ़ोन के रह नहीं पाऊँगा इसके। तो यहाँ पर 1 मिनट सेट किया, देन स्टार्ट किया, अलाउ किया। अब ये 1 मिनट तक मेरे फ़ोन में सिर्फ कॉल आ सकता है और जा सकता है, ऐप वगैरह सारी परमानेंट मतलब अभी टेम्परेरी लॉक हो जाएगी, और कैमरा बस चालू रहेगा ताकि फ़ोटो वगैरह करना हो तो। बाकी यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो, और यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी भी आपके पास समय है एग्जिट करने का। एक बार ये स्टार्ट हो गया तो जितना टाइम आपने सेट किया है उसके बाद आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये देखो भाई ये स्टार्ट हो रहा है, 5, 3, 2, 1 ख़त्म। अब ये भाई कुछ नहीं हो सकता इसका, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब मेरे ये फ़ोन किसी काम का नहीं, 1 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें बंद भी करूँगा तो भाई ये वापस वहीं से दे देगा मुझे। म्यूट करना है सॉन्ग, यहाँ पर एक सॉन्ग भी चलता है म्यूज़िक, थोड़ा रिलैक्सिंग सॉन्ग, ये भी आप चला सकते हो। यहाँ पर अगर आपने गलती से 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा कर दिया तो सही 1 घंटे तक आपका फ़ोन जीरो हो जाएगा, सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही लगा पाओगे। ये भाई काम का फीचर है वैसे, पर हाँ गलती से अगर ज़्यादा टाइम सेट हो गया तो फिर आप पछताओ। नेक्स्ट फीचर है भाई रिमोट। अभी यहाँ पर वन प्लस में पहली बार IR ब्लास्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दिया हुआ, जिससे आप अपने TV रिमोट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप उनको ऐड कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर नहीं दिखा है तो आप यहाँ पर एडिट टाइल्स पे जाना, एडिट टाइल्स आपको नीचे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से प्लस करना तो आपके यहाँ पर आ जाएगा इस वाली विंडो में। यहाँ पर देखो भाई IR रिमोट लिखा है, इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रोल्स के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे केबल बॉक्स है, TV है, स्ट्रीमिंग डिवाइस, DVD प्लेयर, एयर कंडीशनर, AC, प्रोजेक्टर, फैन वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हो। जो जो चीज़ें रिमोट से कंट्रोल होती है, जैसे रोबोट वैक्यूम वाला क्लीनर आता है वो, ये सारी चीज़ें आप इस रिमोट के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर IR ब्लास्टर दिया हुआ है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था वैसे, क्योंकि मुझे भी बाद में पता चला, तो कहीं ना कहीं ये यूज़फुल फीचर है, आप इसी को रिमोट बना सकते हो। अभी तक MI देता आया था, अब यहाँ पर OnePlus ने भी दे दिया। जो नेक्स्ट फीचर है वो है भाई क्लोन फ़ोन। अगर आपने मान लो ये फ़ोन नया लिया है और आपके पास कोई पुराना OnePlus का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, या कोई भी अदर एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो आपको अगर डेटा पूरा AZT शिफ्ट करना है विदाउट कुछ भी लॉस हुए, सिंपली मतलब आपको चाहते हो कि भाई हर एक चीज़ आपके फ़ोन में आ जाए, तो सिंपली क्लोन फ़ोन ओपन करना, यहाँ अलाउ कर देना इसको, सारी चीज़ों को परमिशन दे देना। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दिस इज़ द ओल्ड डिवाइस, दिस इज़ द न्यू। अब ये वाला फ़ोन तो आपने ऑब्वियसली नया खरीदा हुआ, तो उस पर न्यू पे क्लिक करना, और पुराने वाले पे दिस इज़ द ओल्ड फ़ोन करना। अब उसमें भी दो कंडीशन है, आपके पास ओप्पो रियलमी OnePlus होगा तो पूरा का पूरा डाटा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और सिर्फ इस पर क्लिक करना है, और अगर आपके पास कोई अदर एंड्रॉयड फ़ोन है तो भी आपका डाटा पूरा आएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देना, और अगर iOS है आईफोन है तो यहाँ क्लिक कर देना। इसके अंदर आपको बारकोड मिलेगा, और न्यू फ़ोन में मतलब दूसरे वाले फ़ोन में स्कैनर, एक दूसरे को स्कैन कर देना, आपका डेटा पूरा एज इट इज़ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, फोटो वीडियो कॉन्टेक्ट हर चीज़। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा, और उसमें से कौन सा फीचर आपका सबसे अच्छा लगा है या आपको ने फर्स्ट टाइम देखा और वो आपकी ज़्यादा यूज़फुल था, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका कैमरा टेस्ट, अनबॉक्सिंग और हिडन फीचर तीनों हमने डाले हुए हैं, तो जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।